अखिलेश का चाचा है शिवपाल, अखिलेश का चाचा है शिवपाल और आपके भतीजे का नाम है सुनील पाल। सामने जितनी माता बहनें बैठी हैं मैं देख रहा हूं, इतना प्यार से बैठी है, आपस में बात भी कर रही हैं, जय का कर रहा हूं, लेने देने का कचर नहीं है, जय मोड़ा टाइम पास कर रहा हूं, नाच गाड़ो। तो यहां जितनी बैठी हैं नारी शक्तियां, पुरुष शक्तियां, अतिरिक्त शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, जरा ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। काकरोली में आए तमाम दोस्तों साथियों को, भाई बहनों को, पूरे परिवार को नमस्कार करता हूं और आज श्रद्धेय गुरु जी के जन्मोत्सव पर, जन्म महोत्सव पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है। लवकुश आश्रम मानव मंदिर में आप सब आए हैं जोरदार तालियां इस इंतजाम के लिए। हमारे भाई ज्ञानेंद्र जी ने, ज्ञानेंद्र दुबे जो नटराज फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। अभी घर पे लेके गए थे, इनका बच्चा भी कमाल है, तीसरी में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में? मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तू कौन सी कक्षा में है, कौन से क्लास में है? तो बच्चा कहता है, अंकल आपका और मेरा क्लास एक ही है। मैंने कहा, बेटा कौन सा क्लास? थर्ड क्लास। यही बच्चा देखा आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है और बार बार कह रहा है, धक तिरी की निशाना चूक गवा, धक तिरी की निशाना चूक गवा। तो पीछे से साधु महाराज आए, साधु महाराज ने बच्चों को समझाया कि बेटा धक तेरी की मत बोल, धक तेरी की ये बुरा शब्द है, गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया कि इतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो ऊपर से बिजली गिरेगी, तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा ज्ञानेंद्र जी का, किसी की बाप के ना सुने, फिर पत्थर मारा, धक तेरी की निशाना चूक गवा, ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया और ऊपर से भगवान की आवाज आई, धक तेरी की निशाना चूक गवा। तो जाहिर सी बात है वो भगवान भी काकरोली का ही होगा, क्योंकि यहां के जितने लोग हैं सब देवी देवता है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारी जो एंकर साहिबा है, मैंने इनसे कहा था, देवेंद्र जी को, ज्ञानेंद्र जी को, कि मुझे एंकर रख लो। क्या कहा? मुझे एंकर रख लो। तो मेरे मुंह पे बोले, हमें एंकर चाहिए, भयंकर नहीं। तो बड़ी अच्छी एंकर रख ली आपने, ये लड़की नहीं देश का गहना है, वाह वाह। ये लड़की नहीं देश का गहना है, जो मेरे प्रोग्राम को एंजॉय नहीं करेगा ये उसकी बहना है। और अभी जीतू गुप्ता बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गया, कानपुर की जान और शान जीतू, उसके नाम में ही आशीर्वाद है, जीतू रहो। हर आदमी कहेगा जीतू रहो, उसके पहले आ गया था, आके गए विशु, वो भी शुभकामना लगता है, विशु ऑल द बेस्ट। तो ये सब हम दुआओं के साथ में आए हैं। तो जीतू के लिए मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूंगा दोस्ती पर, आप वाह वाह बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता है काकरोली के लोग, खासकर कानपुर के लोग सुनते बहुत अच्छा है। तो शेर ये है कि जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा, वाह वाह। दोस्ती पे जितने लोग दोस्ती करना जानते हैं जरा ताली बजा दीजिए। जीतू जहां तुझे कांटे मिले वहां फूल हो जाऊंगा और जहां तुझे चांटे मिले वहां गुल हो जाऊंगा। कहां जा रही बहन, ए बहन, भैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को एक घंटा हंसाना है, बाबुल का तो सुन ले तू, पीछे भाभी भी जा रही है। साची कहे तोरे आवन से हमरे, कार्यक्रम में आई थी बाहर भौजी, तुम क्यों चली गई बाहर भौजी। जो मेरे प्रोग्राम से उठ के जाता है उसके सपने में हमारी बहन जी आती है, मायावती, क्योंकि वो मेरी बहन है, अपने भाई के बदले के लिए रहनी आएगी। लेकिन यूपी की जितनी लड़कियां हैं
यूपी की सारी लड़कियां बहुत सुंदर है, सारी की सारी लड़कियां बहुत सुंदर है। लड़कियां कोई भी हो, वर्तमान की लड़कियां हो, भविष्य की लड़कियां हो और भूतपूर्व लड़कियां हो, बहुत ही सुंदर है। और ये जितने बच्चे यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारे बच्चे देश का भविष्य है। मुझे गौर से देखो, मैं देश का भूत हूं। नहीं, साबित कर सकता हूं। आप दोनों, हम सब लोग रात के टाइम क्यों आए? क्योंकि भविष्य रात में ही निर्माण होता है और भूत भी रात को आते हैं। तो जितना मजा आ सकता कीजिएगा। अब मैं पेश करूं आपके सामने कुछ अलग तरह के शेर शायरी के अंदाज में कुछ बातें करने वाला हूं। अभी जैसे ये दो सुंदर लड़कियां हैं, अभी बाजू में एक लड़की है, ये भी बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन इसके लिए शेर अर्ज कर दूं, इस देवी के लिए, इस शेरनी पे एक शेर मार दूं। अच्छा, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, वाह वाह। पीछे वालों, खुल के ताली नहीं बजाएंगे तो सपने में मुलायम सिंह यादव आएंगे, फिर वो समझाएंगे, समझोगे? हाँ, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। बहुत प्यारा है। ये देखो म्यूजिशियन लोग, ये शंकर एहसान लॉय, बड़े अच्छे संगीतकार हैं, बड़े अच्छे। अभी इसका कीबोर्ड का छोटा सा पार्ट है, कैसियो। एक बंदी आके पूछती है, एक महिला आके पूछती है इनसे, भाई साहब ये क्या है? कैसियो। मैं तो ठीक हूं, पर ये क्या है? कैसियो। अरे मैं ठीक हूं, क्या है? माता बहनों को प्रणाम करता हूं। हर एक का अपना अपना अंदाज है। अभी ये बच्चा देख रहा हूं मैं, छोटा बच्चा रो रहा है। ये बच्चा घर से यही पैदा हुआ है। भविष्य का निर्माण कहीं भी हो सकता है। और ये देश का जो बच्चा रो रहा है, भविष्य ही है ये, भविष्य रो रहा है, देश का भविष्य रो रहा है। किसकी वजह से पूछो? पीएम की वजह से। पीएम मतलब पापा मम्मी। हमारे देश की नारी, वाह वाह, हमारे देश की नारी मेकअप में है सब पे भारी, इसलिए पूरे विश्व का ब्यूटी पार्लर है इनका आभारी। महिलाएं जब ब्यूटी पार्लर में जाती है, पतियों जरा टाइम निकाल के आप भी जाना, उसको देख के ना जिसका वो ब्यूटी पार्लर है, जो ये दावा करती है मैं किसी को भी सुंदर बना सकती हूं, जबकि खुद मंदर लग रही है। श्रीवास्तव ब्यूटी पार्लर, और वास्तव में श्री नहीं, फ्री है। आप पुरुषों टाइम निकाल के जाइए, उस महिला को देख के आई जिसका वो ब्यूटी पार्लर है, उसको देखने के बाद मां कसम, सुंदरता इस शब्द से आपका विश्वास ना उड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। उसको देख के लगेगा, जिसका ब्यूटी पार्लर देख के लगेगा उस औरत को, कि हिडम्बा मरी नहीं है, सूर्पनखा अभी भी जिंदा है। और जब हमारी भाभियां और महिलाएं वहां से मेकअप करके बाहर निकलती है तो सबसे पहले उम्र छुपाती है। भाभी आपकी उम्र क्या है? ए भौजी, ए भौजी, भौजी आपकी उम्र क्या है? भौजी, भौजी के चक्कर में 4G का स्पीड है इसका। अब भाभी टेंशन में, क्या पूछ रहा है? हैं? क्या पूछ रहा है तुम्हें? भाजी उमर, उमर क्या पूछ रहा है? वो पासपोर्ट पे लिखना है, पासपोर्ट पे कौन बनाए ये फालतू रूल? गवर्नमेंट लिख। हाँ भाभी बताइए, उमर बताइए। अठारह। क्या? अठारह, अठारह, अठारह। भाभी आपने आंकड़ा कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया? भाभी आपकी बची हुई उम्र नहीं पूछ रहा हूं, जो गुजर गई वो उम्र क्या है? अरे अठारह कहा ना। भाभी आपकी जो बेटी है पिंकी, वो भी तो 18 साल की है, तो क्या हुआ? हम औरतें देवियां हैं और देवियां ऐसा चमत्कार करती रहती है।
तो अपना काम कर राक्षस कहीं के। और एक चीज तो जो महिलाओं के पास में स्पेशल आर्ट है जो भगवान को भी कंफ्यूज कर सकता है वो है चुगली। जब दो औरतें चुगली करती है तो किस तरह से किस भाषा में करती है देखिए आप। शीला यहां इधर आ। तो शीला बहुत काम है। तुझे क्या काम है? चुगली है। अब वो काम छोड़ के आगे दो महिलाएं चुगली कर रही है आपस में। भाषा देखिए समझ नहीं पाएगा कोई क्या बात कर रही है। कान इधर ला। और यहां की बात वहां मत कर रहा, अपनी आदत नहीं। परसों की बात है वो कुत्ती गीता है ना। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। कान इधर ला। मुझे लगा लेकिन फिर मैंने सोचा लेकिन अपने को क्या दूसरी महिला तभी तो कहूं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं। ऊपर भगवान टेंशन में। भगवान टेंशन में। चित्रगुप्त, ए चित्रगुप्त, ये कौन सा गुप्त चित्र है? ये भाषा तो मैंने बनाई नहीं। चित्रगुप्त समझने का प्रयत्न ना करे महाराज, ये अलग ही लैंग्वेज है, इसे इंसान भी नहीं समझ पाएगा, इसे गूगल भी नहीं उगल पाएगा, ये चुगल लैंग्वेज है। इसमें भोजपुरी फिल्म बन सकती है। कौन सी? चुगले आजम। यहां जितनी महिलाएं बैठी मैं प्रणाम करता हूं, क्या की देवी है, इनका फेवरेट सीरियल टीवी पे आ रहा है इस वक्त, उसको त्याग के आई है। कितना बड़ा त्याग। और सीरियल का नाम क्या? दिया और बाती, दिया और बाती, पूरा देखूंगी चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, उस कार्यक्रम में अगर शक्ति कपूर होता, शक्ति कपूर, तो प्रोग्राम का नाम होता अगले जन्म मोहे घटिया ही कीजो। रात के 12 बजे के बाद एक एड आता है, सस्ता एड, काले से गोरा करने क्रीम रूप अमृत। ऐसी कोई क्रीम है क्या? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, है तो बताओ, मैं खुद ही अप्लाई कर लेता हूं, सीधा क्रिस गेट से विराट कोहली हो जाता हूं। है कोई अनुष्का, कोई नुस्खा? वो महिला आके इतना झूठ बोलती है, आओ बहन जी आओ, आ जा मेरा बच्चा, ओम फासा आ जाओ, नरे भैया को छोड़ के न जा, अगले साल राखी बंधवाऊंगा। थैंक यू बहन जी। ये प्यारे प्यारे लोग वापस आ गए, वरना इनके प्रोग्राम में तो लोग गए तो वापस ही नहीं आए, नहीं घर पे भी नहीं, ये पता नहीं कहां चले गए। हाँ अब एक वो जो काले से गोरा करने क्रीम आती है वो देखिए किस तरह से एक महिला आके इतना झूठ बोलती है उसमें। कोई क्रीम तो है नहीं पहली बार, लेकिन वो एड के लिए झूठ बोलती है, सस्ता एड। पहले हम बहुत काले थे, बहुत काले, इतनी काली थी, इतनी काली थी, महाकाली थी, हमारी परछाई भी हमसे गोरी लगती थी। थैंक्स रूप अमृत, इसे लगा लिया मैं रातों रात गोरी हो गई। अब तो बिंदास अपनी जेब में रख लेती हूँ रूप अमृत, और कहीं भी जाके मुंह काला करके आ जाती हूँ। एक दिन तो मैं दुबे जी के घर पे गया, एड का अवसर देखिए कैसे एड किसी को मैड कर सकता है। इनके घर पे गया, चाय चाय बना रहे थे, चाय चाय की कटली पे देखा झाग। मैंने कहा झाग कहाँ से है? बोले यार चाय पियो अपना काम करो। मैं चाय तो पी गया, मैंने कहा सर ये बताइए झाग आया कहाँ से? बोले किसी को बताना मत। चाय बना रहा था तभी दूध खत्म हो गया, उसी वक्त टीवी पे ऐड आया दूसी सफेदी। इन्होंने निर्मा मिला दिया। और 4 बजे के बाद टीवी पे आते हैं बाबा रामदेव जी, आते हैं ना, वो मुझे जबरदस्त मामला लगता है बाबा जी का, बहुत अच्छा ऐड है उनका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 बजे आके कहते योगा से होगा,
योगा से होगा, वरना किसी के बाप से भी नहीं होगा। मैं भी योगा से ही हुआ हूं। दुनिया की हर बीमारी ठीक हो जाती है योगा से। करते रहो। एक बार तो मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन से मेरे सामने से बर्थ पेक शुरू हो गया, एक भाई साहब शुरू हो गए। मैंने कहा भाई साहब ये जो ट्रेन है इसका नाम गीतांजलि है, पतंजलि नहीं। पब्लिक में एक भालू देखा, भालू भालू नाखून घिस रहा है। तो पापा ने कहा देखा अब तो जानवर भी योगा करते हैं। वो कानपुर का था। गुरु हम जानवर नहीं है, इंसान है गुरु, 20 साल से नाखून घिस रहे गुरु, सर से पांव तक बाल आ चुके, पहले हम माला माल थे अब बाला बाल हो चुके, अब तो बाल कम कैसे किए जाए वो सिखाओ गुरु। ये हमारा गौरव शर्मा एक बार चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूं क्या करूं, आसन करो। बोले क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको, सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको, सारे प्रॉब्लम ठीक। ये 15 दिन बाद आया टूटा फूटा। कौन सा आसन बताया बाबा, सुबह सुबह सांस को जोर से बाहर फेंको, फेंकने का प्रयत्न किया वो मुझ पे गिर पड़ी, ये कौन सा आसन है बाबा? ये शवासन है। एक मारवाड़ी आदमी चला गया, बाबा भाई जी मारे छोरे को कौन सा आसन सिखाए हो? वो लड़की के दुपट्टे खींच रहे, कौन सा आसन? दुशासन, दुशासन। एक मद्रासी आदमी आ गया, बाबा मेरे को कौन सा आसन सिखाया? मैं आपके पास से आसन सीख के गया, उधर ग्राउंड में किया, पूरा पब्लिक मेरे को क्यों मारा? एक तो तू मद्रासी आदमी लुंगी पहनता है और हमारे पास से सीख के गया था शीर्षासन। तो शीर्षासन तो बड़ा बड़ा साउथ में अलाउड नहीं है, सिर्फ यूपी में कर सकते हो। जब बाबा जी कभी बोलता कि ताड़ी बजाओ लाभ होता है, ताड़ी बजाओ लाभ होता है, एक सचमुच पहुंच गया ताली बजाने वाला। ए बाबा, ए योगा का ढाबा, ताड़ी बजा के क्या लाभ होता है बाबा? हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूं, ना नस ठीक हुई ना नसल ठीक हुई है। सिर्फ 6 सेंस बढ़ा है। क्या करता क्या है, गाना गाता हूं। सुनाओ अब उस 5+1 ने किन्नर जो है मिडिल क्लास, क्या गाना गाया? कुछ भी नहीं आज इसके सिवा, ना मैं किसी का न कोई मेरा, सबको पता था मैं कमजोर हूं, मैं इसलिए आज कुछ और हूं, कुछ और हूं, कुछ और हूं। वेरी गुड वेरी गुड, गाना अच्छा गाता है। नाम क्या तेरा? सिकंदर। नाम बदल दे, सिकंदर का मतलब पता है अलेक्जेंडर। हाँ तो हम भी तो अलग जेंडर हैं, ना मर्द ना औरत, टोटल अलग जेंडर। जैसे कि गौरव ने कहा यूपी में लड़की छेड़ नहीं सकते, क्यों? योगी जी, योगी जी, योगी जी लड़की छेड़ने वालों को भगवा भगवा के मारते हैं, भगवा भगवा के मारते। लेकिन यूपी के लौंडे मुख्यमंत्री से कह रहे हैं रंग दे तुमो है गेरुआ। लड़की दिखे नहीं कि आशिकी शुरू। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर अचानक मुख्यमंत्री याद आते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे सीएम, हाय तेरे नियम, पीछे एंटी रमेश को उन्होंने देखा, योगी जी ने देखा, लड़की के मां बाप ने देखा, उसको बहुत मारा। लड़का कानपुर का था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया।
पत्रकार लोग चले गए पूछने के लिए, कैसा हुआ क्या हुआ जरा बताओ, जी बताओ हम पत्रकार लोग बताओ बताओ। वो शुरू हो गया गाने, वहां भी गाने में राह में उनसे, हाँ हाँ जल्दी बताओ, राह में उनसे मुकालात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। बोले आप कैसा लग रहा है, आप कैसा लग रहा है, मायावती जी मेरी बहन है। मैं एक बार उनके पास गया, मैं कहा माया बहन माया बहन माया बहन, हे क्लियर कर माँ या बहन, हाँ ले लो फोटो ले लो, वेरी गुड फोटोग्राफर। आप लोग सब यूपी से, यूपी मतलब क्या समझते हैं आप, यू यूपी मतलब अप, यूपी अप, बाकी सब डाउन, यूपी मतलब अप, पी के टाइट, यूपी में पी सकते हैं आप लेकिन मत पीना, पीना मत, पी सकते मगर पीना मत। अभी प्रधानमंत्री जी भी यहां आने वाले थे शुभकामना देने के लिए, लेकिन कुछ काम आ गया तो उन्होंने अपना भाषण मुझे दे दिया। सुना दूं, सुना दूं, सुना दो, सुना दो, कानपुर वालों सुनोगे, सुन लो फिर बाद में मुझे मत बोलना। मित्रों आपको पता है मोदी जी जब भी भाषण देते लगता है हवाई जहाज में बैठे हैं। मित्रों आज मैं आप सबको कांकरौली में कानपुर के पास शुभकामना देने खुद आने वाला था, परंतु एक काम आ गया। मित्रों मत रो, मेरा प्यारा मित्रों बिल्कुल मत रो, अगले वर्ष आऊंगा। मैं आपको कहता हूं मोदी है तो मुमकिन है, अगले वर्ष आऊंगा और आप सबको अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। पीछे अमित शाह भी खड़े थे, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है मित्रों कि काकरौली जो है इसके साथ हमारा संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे घर जैसे, घर जैसे इसलिए क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं। संपूर्ण समर्थन है, आप लोग सहंसा है, मैं अमित शाह हूं। लेकिन कानून जो तोड़ेगा उसको कानून तोड़ेगा, समझ जाओ। गृह मंत्री हूं घर के नाते समझा रहा हूं, रिश्ते में हम सबके गृह मंत्री होते हैं, नाम है अमित शाह। अब हमारे एक और मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, कितने लोग जानते हैं, ताली बजा दीजिए। वो हर बात में खास थे, आपको पता है ना, हम लोग कौन है जी, कौन है जी, हम लोग कौन है जी, माँ कैसे में इतना खासता है वो आदमी कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि आम आदमी है खास आदमी है। अब महिलाओं की बात करता हूं, हमारे देश की महिलाओं की आवाज बहुत मीठी है। कल ही एक महिला यहां पर गाकर गई, कितनी मीठी आवाज थी, कितना अच्छे गाने गाए उन्होंने। दिल है के मानता नहीं, तड़ं तड़ं मुश्किल बड़ी है मुसाबत, ये जानता नहीं। वो भारत की पहली ऐसी महिला है जिसने जो फिल्म में गाना गाया उसी बात में भजन भी गाया उसी तर्ज पे। मन है कि मानता नहीं, माता के चरणों में जाता है ये
कुछ समझता नहीं। इतनी प्यारी आवाज है महिलाओं की कि आप किसी को फोन करो तो वहां भी औरतों की आवाज। अभी हमारे देवेंद्र जी ने फोन किया, किसी से पैसे उधार लेने थे, मैं खुल के नाम नहीं बताऊंगा कि वापस सुनते, फोन किया वहां से औरतों की आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। इतनी मीठी आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। मशीन की आवाज सुन के खुश अगला, तू तो फ्री है ना, बाहर आ जा, ऑनलाइन हो जाते हैं। आप बिल्डिंग के लिफ्ट में जाइए, लिफ्ट में आप गए बिल्डिंग के लिफ्ट में, वहां भी औरतों की आवाज, कोई है नहीं, अंधेरी रात है फिर भी फर्स्ट फ्लोर, आई एम गोइंग टू हाउ कौन सेकंड फ्लोर है, कहां तक आना है, थर्ड फ्लोर, अब गो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सीधा टॉप फ्लोर पे चलते हैं। रेलवे स्टेशन पे सुबह के टाइम लड़की अनाउंसमेंट कर रही है, कृपया यात्री ध्यान दें, तो ड्यूटी पर जाने वाले खुश है, तुम पे ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारे लिए आए गुरु बता रहे, तुमका स्टेशन मास्टर है हम बता रहे, प्लेटफॉर्म क्रमांक एक की गाड़ी एक से जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं, हम मिलके जाएंगे। अब शाम तक इसी लड़की की आवाज अनाउंसमेंट करके कि गला खराब हो चुका है, एकदम गला बैठ चुका है, अब शाम को इसी लड़की की आवाज, टिंग टिंग, तेरा बाप की नौकर नहीं हूं, अनाउंसमेंट गौर से सुन, प्लेटफॉर्म क्रमांक एक की गाड़ी यार्ड में जाएगी और दो वाली भाड़ में जाएगी और तीन वाली मत बैठना, उसमें मैं खुद जाऊंगी और तेरे छाती पे खुद जाऊंगी अंजलिका। अब बताओ कोई जाएगा क्या? अच्छा कुछ छोटे छोटे स्टेशन भी आपने देखा होगा आजू बाजू में, जहां दिन में एक ही ट्रेन रुकती है, वहां का स्टेशन हिलता रहता है, वो स्टेशन का हिल स्टेशन ज्यादा लगता है, चार ही कर्मचारी हमेशा वहां पर मिलेंगे, वो मरते भी नहीं, उनका नाम भी ऐसा होता है, आत्माराम, जीवनदास, प्राणलाल, राम भरोसे, और स्टेशन इनके भरोसे, ट्रेन कोई आती नहीं, एक ही ट्रेन आती है, अनाउंसर पी के टाइट, मीट पिला दी रहे सूचना समाप्त। जो मेरे कार्यक्रम में बजाएगा तालियां उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां उसको ये देगी आशीर्वाद, ये भी तो एक देवी है ना। अब लोग कंफ्यूज के क्या बोला इस गेवड़े ने, आपस में बात करें, एक मद्रास से पूछा, मद्रास से अन्ना ये आपकी भाषा में बोला क्या, कुछ समझ में नहीं आया, तो मद्रास का जवाब सुनिए, मद्रास का जवाब, मैंने कहा मैडम नहीं ये बेवड़ा क्या बोलता है मैडम नहीं, इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है, 10 days ये बेवड़ा का रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से मैं मद्रासी आदमी 5 बार पंजाब जा चुका है, अभी मेरा नाम भी कृष्ण सिंह हो गया है, उधर पंजाब में मैं भाड़ा पे लुगी डांस कर गया। अच्छा ट्रेन में आपने सफर किया होगा, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है जनरल लोकल जिसमें आदमी ऐसा खड़ा होता है तो उतरता भी ऐसा ही, उसको बोला भाई तू रिजर्वेशन करता क्यों नहीं है, मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, मेरे को क्रांतिकारी लगता है। और एक होता है रिजर्वेशन बर्थ, अगर आपका बर्थ कंफर्म हो जाए तो उस बर्थ पे आदमी ऐसा सोता है जैसे उसका बर्थ इसी बर्थ पे हुआ हो, पूरे घमंड के साथ उसके खर्राटे बताते हैं, भाई साहब कहां जा रहे हो, घर कहां, घर अच्छे से सोया हुआ है, रात के टाइम जो चाय बेचने वाले आते हैं वो भूत लगते, भूत एलियंस, उनकी आवाज भी ऐसी होती है, जय बोलो जय जय,
लगता काफी मुझे पी है चाय। जो सोया हुआ है वो बर्द वाला, उसका कंबल उठा के पूछेंगे कान के पास, वो घबरा के उठता है कानपुर वाला, भूत होगा। अबे हनुमान चालीसा लाई नहीं आज, कौन हो बे? क्या है क्या है? अबे क्या है? अबे कहा बाद में पता चला भैंस की दूध की चाय थी, खुद ही पी के आया था। और ये तो एकदम सच्चा किस्सा, सुनिएगा। एक बार ट्रेन में मैं खिड़की के पास बैठा था कानपुर में, और कानपुर के वड़ा बेचने वाले, तो पता ही आपको, वो आंखों में आंखों से आंखें मिला के वड़ा ऐसा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहा हूं। वड़े से खुद गर्म था वो, मेरे आंखों से आंखें लगे, कैसे हैं आप? वड़े बोलो। क्या? वड़े बोलो, बोलो बोलो, वड़े 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 बोलो, बोलो वड़े। मैं क्यों बोलूं? ये मेरा काम है क्या? तेरा काम है, तू बोल। वड़े बोलो, वड़े वड़े खुश, वड़े आप आगे बढ़े, आगे ज्ञानेंद्र जी बैठे उनको भेजो, उनको वड़े अच्छे लगते हैं। और एक तो समोसा वाला इतना बदतमीज था, पता नहीं क्यों इतना बदतमीजी करते हैं। एक विधवा थी बेचारी, विधवा थी, 95 साल की विधवा थी। किसे सुनेगा, मेरे थोड़ा शब्दों पे ध्यान देने का मजा आएगा आपको। वो विधवा थी बेचारी, उसको समोसा वाला छेड़ रहा, समोसा वाला, मौसी ए मौसी समोसा ए मौसी समोसा। तो बुढ़िया बोली, उन्नाव की थी, नहीं बेटा हम समोसा नहीं खाते, हम समोसा नहीं खाते बेटा। उस पर भड़क गया, अच्छा मौसा खा गई है, मौसा खा गई, समोसा नहीं खा सकती। और कुछ तो इतने बदमाश होते हैं कि रिजर्वेशन के बर्थ में घुसाएंगे ट्रेन में और वहां रुमाल डाल देंगे, गुरु अब यह हमारा बर्थ है, यहां रुमाल हम डाल दिए, अब यह हमारा बर्थ है। तो सामने वाला बोलता है, अरे भाई तो इसमें रिजर्वेशन हमारा था, अब हमरा हो गया है, इतनी जल्दी, ये कौन सा रिजर्वेशन है? तत्काल प्रीमियम तत्काल है गुरु, बता रहे दूंगा। और सबसे ज्यादा मजा आता टिकट खिड़की पर, खासकर यूपी में। एक उन्नाव का आदमी है, एक कन्याकुमारी देना, वो बेचारा टिकट मांग रहा था, पीछे एक लखनऊ वाला आ गया, जनाब दो कन्याकुमारी देना। उनके पीछे कानपुर वालों का चाचा, अब गुरु ऐसा है हमका एक शादी से उधार दो, उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली है, फायदा उठाओ। मजा आ रहा है आपको? थोड़ा ताली भी बजा दो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है कि मेरे बाद बहुत सारे कलाकार और भी आने बाकी हैं। आज के आज इतने सारे कलाकार मुंबई से आए हैं, आप सबने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। प्यार वही दे सकता है, सम्मान वही दे सकता है जिसके पास प्यार और सम्मान हो। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इतनी इज्जत आप दे रहे हैं, माँ कसम इतनी इज्जत मुझे मेरे घर वाले भी नहीं देते, और जो लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे वो मेरे घर वाले हैं। ये देखो, ये हमारे वो लोग हैं जो हमें अगला शो देने वाले हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए दर्शक जो है वो सबसे ऊपर होते हैं, उसका कारण ये कि वो कितना ही नीचे बैठे, कितना ही नीचे बैठे वो सर उठा के देखते हैं, हमें सुनते सर उठा के रहे, और हम कितना ही ऊपर जाएं सर उठा के सर झुका के परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे लिए एक जैसी बात है कि हाँ। तो बिल्कुल छोटा सा मैं टाइम खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि और भी लोग आने हैं। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो गुटके वालों की याद आती है मुझे, जो गुटका मुंह में भरा होता है, गुटका मुंह में भरा होता है। इतना ज्यादा माइमिंग आर्टिस्ट मैंने दुनिया में नहीं देखा, इतना अच्छा माइमिंग। चाली चापिंग के चाचा होते हैं, बिना मुंह खुले सब कुछ बोल देते, गुटका और गुरु कैसे, अम्मा कैसे घर पे, उसका मतलब कि मेरा मुंह मत खुलवा, अगर मुंह खुल गया तो इधर का उधर जमा के मामला। और पान खाने वाले तो
मेरे घर से पाउड की खोज इन्होंने लगाई थी। ऐसा करेक्ट ठूकते हैं बिल्कुल निशाने पर लगता है। ये पाउड वाले का पीक टाइम कभी भी आ सकता है, मुझे लगता है कि ओलंपिक में इनका पीक जाना चाहिए, ये जीत के आएंगे। ऐसा थूकते कभी कभी अपने ऊपर थूकते थे, बोले ये क्या है, बोले गुरु सेल्फी है। इतना ज्यादा खतरनाक। मैंने देखा गला बैठा हुआ आदमी मुझे मिल गया, मैंने कहा कैसे हो, तो उसने बात की पहली बार तो उसका गला बैठा हुआ था। और गुरु क्या चल रहा, सब बढ़िया? मैंने कहा आपका गला बैठा कैसा, तो उसका जवाब सुनिए, मैंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। कहा किया सब? आवाज उठाई है। सुना नहीं? आवाज उठाई है। अबे तुमने बिठाई है, ऊपर से इसकी मेडिकल स्टोर दवा की दुकान। कोई क्या बोला भाई साहब गला ठीक करने की दवा है? है ना, गला ठीक करने की दवा है, तो खाता क्यों नहीं पे? एक बार तो स्टेज पे आ गया, कहता है देवियों सज्जनों आपके सामने रामलीला का अध्याय पढ़ूंगा, शांति से सुनना, शांति से सुनना, शांति से। लोगों ने कहा शांति से ही सुनना पड़ेगा, तेरा स्पीकर ही खराब है। अब उसका कॉन्फिडेंस, भगवान राम ने कहा था जीवन में उतारिएगा, बड़ी अच्छी बात कही थी भगवान राम ने कहा था कि अधिक जीवन। करना चाहिए, कितनी अच्छी बात है, समझ गए ना आप लोग? तभी लक्ष्मण ने, लक्ष्मण अभी लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण बोले हे भैया यदि करना चाहिए। तभी क्रोधितों के घमंडी रावण बोला हे राम करना चाहिए। मैंने कहा इधर है, क्या करना चाहिए, खुद ही इंजॉय कर रहे। आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में हिमेश ऋषि में भी आने वाले थे, जानते ना हिमेश को? उनका फोन आया, बोले मैं हाथों जाऊंगा गा नहीं पाऊंगा, आज मेरी नाक खराब है, नाक से गाते तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। और साथ में पगली पगली तेरी मेरी, अगर तेरी मेरी है हाँ तो तेरी मेरी है ना। एक गाना आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मेरे अंदाज में सुनिए आप, बड़ा मजा आएगा। पुराना गाना था, कई बार सुना होगा। यहां पे जितनी माता बहने मैं प्रणाम करता हूं, एक दिन मैंने अपनी मां से कहा कि मां तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर सब अपनी मां से यही कहेंगे कि मां तू मेरी दुनिया है। तो मां बोली अच्छा अगर मैं तेरी दुनिया हूं तो परसों उससे क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूंगा। अभी ये गौरव शर्मा कवि है, आजकल के कवि पता आपको कैसे होंगे, मोबाइल में लिख के लाते कविता, पब्लिक के सामने भूल जाते हैं। एक बड़ी सी ताजी कविता है अभी कही है प्रस्तुत कर रहा हूं क्या थी याद आ गया उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो वाह, यहां से वहां तक आशीर्वाद चाहूंगा। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, अब अगली लाइन सचमुच याद नहीं आ रही है। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, मोबाइल निकलना पड़ा उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो और मेरे हालात कहते हैं बैटरी लो पूरी तरह से बैटरी लो। हाँ ये आजकल हो रहा है, और वो कव्वाल, अभी कव्वाली का प्रोग्राम शायद यहां हुआ नहीं होगा, कभी करवाइएगा। एक कवाल तो बहुत बहुत खूबसूरत होता है, नहाया धोया पीछे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग उनके जो उनके साथ सपोर्ट करने वाले हैं। अब बेचारा कवाल अच्छा
बड़ी अच्छी कवाली पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ जिंदे जिंदे ही जिंदा जिंदा है बर्दे झोली बर्दे झोली बर्दे झोली पीछे वाला फ्रेश मर्दे झोली झोली भर दे बर्दे झोली झोली भर दे झोली भर दे बर्दे झोली। अबे कंबखत मारे झोली अब हो रहा है ये क्या हो रही है। अब बीच में अदनान सामी ने भी गाना गाया था बर्दे झोली बर्दे झोली आका जी बोले इधर आ मोटे भर दे झोली तेरी झोली मैंने भरी थी तू खुद ही खाली करा गया है। तो कमाल था आपने सुना होगा ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए गाना आप सुन लीजिए इसमें एक जोक छुपा हुआ है। अब ये गाना कई बार सुना होगा आपने इसमें हीरो ने हीरोइन से ऐसी बात बोल दी हीरोइन सुनते ही बेहोश वो लाइन ये थी हीरो से कह हीरोइन कह रही हीरो कह रहा हीरो से हीरोइन से मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए है? किसके लिए दुनिया के लिए लड़की बेहोश अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। एक गाने की लाइन सुनाऊंगा मैं आपको समझ जाएंगे आप लोग। मैं पुराना गाना गाते गाते रोड से गुजर रहा था माजी चल ओ माजी चल। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा पीछे एक पिलपिली बुढ़िया ने आवाज दी ए बेटा कहां तक आना है आप क्यों आई तू ही तो बोला माजी चल आता माजी सटक ली। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम गाने अब जैसे एफएम रेडियो सुनते हैं आप लोग अब एक रात में प्रोग्राम था लव गुरु का हेलो हाय 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 मैं हूं लव गुरु आप प्यार मोहब्बत करते हैं कोई सवाल हो तो पूछो। अब कानपुर के किसी ने सवाल पूछना शुरू किया लव गुरु हम कानपुर से बोले गुरु बताइए तुमका कोई प्यार से जुड़ा हुआ सवाल हाय गुरु गुरु ऐसा है मोहब्बत हो गई है एक लड़के से मोहब्बत हो गई गुरु शादी करना चाह रहे हैं गुरु उसका भाई नहीं मान रहा। कौन है उसका भाई तुम हो कुत्ते सीधा मुंह पे जवाब। अब यह गाना आपने कई बार सुना होगा लेकिन मैं इसको आप अपने अंदाज में सुना रहा हूं इसमें कॉमेडी है सुनेंगे तो मजा आएगा। तो प्यार है चलो बजा लो इनकी भी आत्मा को शांति मिल जाए। तू प्यार है किसी और तुझे चाहता किसी और तू प्यार है किसी और तुझे चाहता। मैंने हीरो से कहा एड़े जब तुझे कन्फर्म है कि वो प्यार है किसी और का उसे चाहता कोई और है तो तू टाइम पास क्यों कर रहा है। नहीं बाद में पता चला हीरोइन के बहुत लफड़े हैं। अब यहां म्यूजिक मत बताना क्योंकि आराम से बताना पड़ेगा इनको लड़की के कितने लफड़े सुनिए आप गाना सुना होगा तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है तू पसंद है किसी और की तुझे मांगता कोई और है तू नजर में है किसी और की तुझे जानता कोई और है तू जान है किसी और की। मैंने कहा कितने और है बाद में पता चला फिल्म का नाम ही दिले की मानता नहीं। अभी जीतू एक बार बोला लड़की से
अब गुरु ऐसा है तुमको खाना खिलाने ले जाएंगे महंगे होटल में। कानपुर की लड़की थी, ली मेरे रूम में लेकर गई, इतना बड़ा बिल आया, बिल आते अगले का मुंह सूख गया। लड़की ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो गाने में कहता है मुंह सुखाने की सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़की बोले चलो चुपचाप बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बोला ओरे लड़के तू मुझे बतला। क्या साहब? बर्तन धोने की जगह दिखला। सर सूप तो पी लो। पिया जाए ना जाए ना जाए। एक से बकरे हाँ कुछ लोग ताली बजा रहे हैं जिन्होंने बर्तन मांजे हैं। अमिताभ बच्चन उनका बड़ा गाना हिट हुआ था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या स्थान है ओए नाप वाला इसमें सब शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई थी। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम। एक भी लाइन कुवारों के लिए नहीं थी, ज्ञानेंद्र जी ने डाल दिया। ज्ञानेंद्र जी ने अपना ज्ञान डाल दिया उसमें, कुवारों के लिए लाइन डाल दी। अब वो लाइन ये थे जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी नहीं है अरे नहीं है नहीं है अरे बीवी नहीं है, अरे जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है। सबको अपनी समझो। आपका ज्ञान काम आ गया। अरे सबको अपनी समझो। शादी का कौन बनेगा करोड़पति में बच्चे सब आते हैं सफेद दाढ़ी मूछ में, सफेद दाढ़ी मूछ में लगता है जैसे दही में मुंह मार के आए। आके पूछते हो देवियों सज्जनों कौन बनेगा करोड़पति? कानपुर में लोग बोलते हैं तुम ही बनोगे, पिछले 20 साल से दो ही बातें हुई, आप करोड़पति बने और आपका बेटा पति बना है, कैसे नो आइडिया। एक बार तो ये प्रेम चोपड़ा गया था विशु खेलने के लिए, 1 करोड़ जीत गया था। बच्चा साहब ने कहा अब आप 5 करोड़ के लिए खेलेगा जरूर? लालची आदमी खेलूंगा। ऐसा सवाल किया जिसका जवाब दुनिया में कहीं नहीं। ओह गलत जवाब, राशि घट गई है, अब आप 5,000 लेके घर जाएंगे, कैसा लग रहा है आपको? तो अगला पागल खाना कहाँ है? एक दुकानदार को देखा नौकर को मार रहा है, क्यों भाई? अरे अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे ही कोई पहला ग्राहक आता है उसे कहता है का चाहिए, तो ग्राहक कहता है हमको साबुन चाहिए, तो कहता कौन सा साबुन? ए लक्स, बी हमाम, सी सिंथोल या डी लाइफबॉय? तो ग्राहक कहता है डी लाइफबॉय, तो कहता है श्योर लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। अब फिल्मों के नाम कैसे? एक दिन मैंने ज्ञानेंद्र जी के घर पे गया, बता देता हूँ कि आज आप सारी पोल खोल देता हूँ, खून से लथपथ टूटे फूटे मिले, खून से लथपथ। मैंने कहा क्या हुआ? तू तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने खून से लथपथ क्यों? कल तेरी भाभी रानी मुखर्जी की मर्दानी देखने गई थी। मैंने कहा भाई मुझे बता दो तुम बचा लेता? आज बचा ले, आज बचा ले, प्रियंका चोपड़ा की मेरे गांव देखने गई है। मैंने फिर तब तो अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आना मत, अगले हफ्ते तेरी भाभी बाहुबली देखने जा रही है, दोनों को मारेगी। एक फिल्म आई थी रांझना, देखी थी आपने? रोमांटिक फिल्म। मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई, दादा बस 5 मिनट रुक जाइए, ये आपका त्याग जिंदगी भर काकरोली याद रखेगा, ये त्याग पत्र है, आ जाइए थोड़ा सा शांति रखिएगा, जितने ये भविष्य के लोग चिल्ला रहे हैं आशीर्वाद। देखिए मुझे मुझे तो आप देख ही रहे हैं, ये मत देखो ये मत भूलो कि सामने भगवान भी है, इनको भी देख रहे हैं आप, तो थोड़ा शांति रखिए, हो सकता है आपकी फरमाइश पूरी हो जाए, कल ही आपने जो सोचा वो पूरा हो जाए, तो मुझे देखते हुए उनको भी देखिए और कुछ एडजस्ट कीजिए। कितने लालची लोग हैं, बड़े अच्छे हैं। हाय मेरा बच्चा, बड़ियों के प्रियंका चोपड़ा बनना।
मगर निक से शादी मत करना है, एक तो निक ऊपर से इतना निक। हाँ तो मैं फटाफट बात खत्म कर रहा हूं। मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, पत्नी खुशी खुशी फिल्म देखकर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने आगे तो बोल बर्तन सारे मांझना। अब धनुष फिल्म का हीरो था, आपको पता ना धनुष कौन है? रजनीकांत के दामाद धनुष, नाम धनुष है, खुद इतना दुबला पतला तीर लगता है। और गाना हिट हुआ था कौन सा पता है ना? कोलावरी डी। उससे पहले तीन गाने गा चुका, कोलावरी ए बी सी नहीं चला, डी चल गया। अब आपको पता है वीडियो में कैसा गया उन्होंने? वीडियो में ऐसा गाया जैसा आज किसी ने पगार छीन लिया विद बोनस। एक बच्चा मेले में खो गया तो मैं पुलिस वाला समझ के उसको पूछने गया, क्योंकि मैं भी एसपी हूं ना सुनील पाल, बेटा माँ के बारे में बताओ। इसी गाने में कहता है माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप बाप मेरा सोलापुरी, क्या करते हैं दोनों बेचे छोलापुरी जी। माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा सोलापुरी, दोनों बेचे छोलापुरी जी। बेटा आपके पापा कैसे दिखते? पापा 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 पापा। हाँ पापा दिखते कैसे? पापा कलर है व्हाइट व्हाइट, पी के रहता टाइट, माँ तो मारती उसको बेलन, नाम है माँ का विद्या बेलन। फरहान अख्तर, पता ना बात कैसे करते हैं? दिस इज फरहान अख्तर, अगर मेरा गाना सुन रही हो तो जिंदा हो तुम, और नहीं सुन रहे हो तो शर्मिंदा हो तुम। अब इनका गाना आपने सुना होगा न मैं समझा न मैं जाना। इनका गला बैठा क्यों पता है? जिसका बाप जिंदगी में इतना बोलेगा बेटे का तो पहले ही गला बैठा होगा। अब इन्होंने गाना गाया, इनके साथ में विदेश औरत भी गाना गा रही है, इसी गाने को देखा होगा आपने न मैं समझा न मैं जाना, वो विदेश औरत अपनी भाषा में हरे मारे, समझ लो कि गाना गा रही है गालियां दे रही है। हरे मारे तेरे मारे कुतरे, तेरे मारे कुतरे, न मैं समझा अरे कुतरे, फिर भी अच्छा लगा ऐसा मैं रीटा अरे कुतरे, मगर फिर भी अरे कुतरे, तुमने फेंक के मारा मुझको ईटा। अभी फेसबुक सुंदर लड़कियां फोटो डालती है पाउड के साथ और ऊपर लिखती है आज हम घर में अकेले हैं, कितने कमेंट्स आएंगे। हम जैसा आज फोटो डाले और यही वाक्य लिखे आज मैं घर में अकेला हूं तो दुबे जी का कमेंट आएगा फांसी लगा ले। आखिरी रतन दोरा सुना देता हूं, उसके बाद खत्म पूरा कर देता हूं। मुझे पता है आप लोगों ने इतना प्यार से मुझे सुना, अच्छा लगा। आप मुझे कहीं भी बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगा, मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग, सबसे अच्छी बात तो आज के कार्यक्रम में ही लग रही है कि हर आदमी अपने परिवार के साथ आया है। जिसके पास परिवार है वही दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास परिवार नहीं उससे गरीब कोई नहीं है। कुछ लोग समाज में इतने मोटे होते हैं, इतने मोटे और आवाज पतली, और क्या ले? नाम क्या है? कमलेश। तो किधर से कम है और किधर से लेस है? शादी हुई? नहीं सिंगल हूं। फिर सिंगल? झूठ बोल रहे? शादी क्यों नहीं की? लड़की की शर्त है। क्या? भाग की शादी करेंगे। तो भागा क्यों नहीं? भागी तो नहीं पाता हूं। अब शादी हो गई, मैंने फोन किया मुबारकबाद देने के लिए तो इन्होंने फोन उठाया। हेलो, मैंने कहा भाभी जरा भाई साहब को फोन देना। अबे भाई साहब बोल रहा हूं, मैं तेरे भाभी से बात कर। अब उनकी बीवी की आवाज, हेलो। एक नौजवान को देखा चौराहे पे भीख मांग रहा था, क्रॉस शब्दों पे ध्यान दीजिए, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, मौला के नाम से दे दे बाबा। मैंने कहा कैसा नौजवान है तू, भीख मांग रहा है, कैसा भारतीय है तू? मैं भारतीय हूं ही नहीं। कौन है? पाकिस्तानी हूं। तो भारत में क्यों भीख मांग रहा है? कहां मांगू? अपने देश में मांग, किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, मैं प्रधानमंत्री हूं। गरीबी की वजह से पहचान में नहीं आ रहा। सुनो गौर से इंडिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे पाकिस्तानी। मैंने किस चीज में रे? भीख मांगने में।
तो रतन नूरा एक दिन मेरे पास आके कहते हैं, सुनील हमारा नाम है रतन नूरा और कानपुर में बात सुनाऊंगा पूरा के पूरा। मैंने कहा ये बता, ये बात बताइए, नोटबंदी के टाइम में आपके गांव में गया था, भाभी मिली थी, क्या कहा भाऊजी ने, आप तो लाइन में लगे थे। अबे उसने क्या कहा बता। मैंने कहा पूछा भाई साहब कहाँ है भाभी जी, तो कहते हैं ए भैया ये जो लंबी कतार है इसी में फंसा हमारा बतार है। मैंने कहा ये बताइए सलमान खान के बारे में क्या जानते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, दो बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, और तीन बार कमिटमेंट कर दी तो फिर साला मेरी कोई नहीं सुनता। सुनील सोच रहा हूं चुनाव में खड़ा हो जाऊं। कहां से? उन्नाव से। उन्नाव से चुनाव में। मैंने कहा खड़े कैसे रहेंगे, आप तो शराब पी के हिलते रहते हैं, खड़े कैसे रहेंगे? सपोर्ट से, सपोर्ट से। मैंने कहा आपको सपोर्ट कौन देगा, हिले हुए इंसान आपको सपोर्ट कौन देगा? अबे हम तो फिर भी हिले हुए हैं, वहां तो उनको भी सपोर्ट मिलता है जो कंप्लीटली गिरे हुए हैं। चुनकराकर करेंगे क्या, समाज की गंदगी साफ करूंगा, वेरी गुड। क्या करेंगे? दारू, समाज की सबसे बड़ी गंदगी है, डेली 4 बोतल साफ करूंगा। अब वो चुनकर भी आ गए, पत्रकार लोग आ गए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। कहां से आए? आज तक से। तो कल तक कहां थे बे? हार मत पहनाओ, अभी जीत कर आया हूं। ये बताइए बेरोजगारों के क्या करेंगे आप? बेरोजगारों के लिए काम दूंगा, बल्कि दे भी चुका हूं। किसको? हमारे घर वालों को, बेचारे बेरोजगार थे, काम दे चुका हूं। आप तो वोट मांगने आए थे हाथ जोड़कर, और अब जब जीत कर आ गए तो अपने परिवार की सोच रहे? आपने तो जनता को धोखा दिया। अबे धोखा नहीं दिया, हम तो हाथ जोड़कर सबको समझा रहे थे कि 26 तारीख का इलेक्शन है, आपका वोट बहुत कीमती है, हमें मतदान करना, आपका वोट बहुत कीमती था, हमने कहा हमें मतदान करना, आपने हमें ही दान कर दिया। अब रोते रहो 5 साल, उसके बाद ही मिलेगा सुनील पाठ।